लखनऊ में जो आज बड़ा मंगल जोरों शोरों से मनाया जा रहा है, इसकी शुरुआत हुई थी 18वीं सदी में, जब अवध के तीसरे नवाब शुजाउद्दौला ने अपनी वाइफ आलिया बेगम के कहने पर अलीगंज का पुराना हनुमान मंदिर बनवाया था। दरअसल बेगम आलिया ने इस मंदिर में एक बेटे की कामना की थी और बहुत जल्द ही उनकी ये दुआ पूरी हो गई, जिसकी खुशी में नवाब शुजाउद्दौला ने इस मंदिर से बड़े मंगल का रिवाज शुरू किया। फिर क्या था, देखते ही देखते लखनऊ के लोगों ने इस बहुत नेक से रिवाज को एक त्योहार में बदल दिया। अच्छा लगता है भाई, कोई गरीब भूखा नहीं रहता है, और क्या है। लखनऊ के अलावा कहीं और भी होता है, आपको क्या लगता है? अब ये शुरुआत हो रही है कानपुर, रायबरेली, अब यहाँ पे उन्नाव, अब इसका क्रेज बढ़ रहा है। और मेन लेकिन लेन यूपी में अगर कहेंगे तो सबसे ज्यादा फोकस बड़े मंगल के भंडारों का जो है सबसे ज्यादा लखनऊ में ही है। किसी ने क्या खूब कहा है कि कोई भी चीज बांटने से और बढ़ जाया करती है। इस बात की बेहतरीन मिसाल है लखनऊ में होते ये भंडारे, जो साल दर साल बढ़ते नजर आते हैं। और तो और, इनमें शामिल होती है ऑर्गेनाइजर्स की बेइंतहा खुशी और आस्था। हम लोगों ने आज ज्येष्ठ माह के पहले बड़े मंगल को भंडारा आयोजित किया, जिसमें मेरे और मेरे सहयोगियों द्वारा, मेरे स्टाफ द्वारा पूर्ण रूप से सहयोग दिया। हम लोगों ने बहुत लोगों को, हजारों की तादाद में, आप पीछे देख सकते हैं अभी भी हम लोग सर्व कर रहे हैं। एक मैसेज भी मैं कम्युनिटी को देना चाहता हूँ कि जो लोग भी बिलीफ थोड़ा सा भी करते हैं वो आगे बढ़े, आगे बढ़ के भंडारा आयोजित कराएं। हालांकि भंडारे में पूरी सब्जी बटोरने की बात ही कुछ और है, पर एज रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स हमारी जरा सी जिम्मेदारी ये बनती है कि इस दौरान हम खाने की बर्बादी ना करें और सड़कों पर कचरा ना फैलाएं। भंडारा खत्म होने के बाद सिटी हाइजीन और गार्बेज कलेक्शन के लिए LMC हर साल मुहिम भी चलाती है। ऐसे में शहर के भंडारे ऑर्गेनाइजर्स की ये भी जिम्मेदारी बनती है कि वो अपना पंडाल LMC के साथ रजिस्टर करवाएं, ताकि लखनऊ का बड़ा मंगल पर्व और मंगलमय बन सके।